नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों का। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। बता दें कि बंगाल के राज्यपाल रहते हुए धनखड़ का ममता सरकार के साथ विश्वविद्यालय मामले पर कई बार तकरार हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट की वैकेशन बेंच आज से 3 जनवरी तक विंटर वैकेशन के दौरान तत्काल मामलों की सुनवाई करेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड आज ग्रुप डी की 1,00,000 से अधिक पदों वाली RRC लेवल 1 भर्ती CVT के नतीजों का घोषणा कर सकता है। ऐसे में जो उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अगस्त और अक्टूबर 2022 के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित किए गए CVT में शामिल हुए थे, उन्हें अपना परिणाम देखने के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट को विजिट करना होगा। झारखंड से कांग्रेसी विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को आज ED के सवालों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि झारखंड सरकार गिराने की साजिश रचने सहित कई मामलों पर अनूप सिंह से ED पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए पिछले सप्ताह ED ने अनूप सिंह को समन जारी किया था। कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उससे एक दिन पहले मध्य प्रदेश में आज सुशासन दिवस मनाया जाएगा, जहां अधिकारियों के अनुसार अटल जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को अवकाश के चलते एक दिन पहले ही 24 दिसंबर को सुशासन दिवस पर सभी अधिकारी और कर्मचारी सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए शपथ भी ग्रहण करेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आज से दिल्ली एयरपोर्ट पर होगी रैंडम चेकिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से शिमला लौट जाएंगे, जहां आज राज्य के मंत्रियों को राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ प्रदेश से बाहर के दौरे पर जाने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 18 दिसंबर को नई दिल्ली में कोरोना संक्रमित हुए थे। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस हुई पूरी, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में जस्टिस JJ मुनीर की कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिहार शराब कांड में मेन सप्लायर डॉक्टर समेत 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया, उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं तार। श्रद्धा मामले में आरोपित आफताब का लिया जाएगा वॉइस सैंपल, कोर्ट ने 14 दिन तक और बढ़ाई न्यायिक हिरासत। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में आखिरी दिन है और अब यात्रा दिल्ली की ओर निकल चुकी है, जहां इस यात्रा को हरियाणा में भी जबरदस्त समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि BJP की ओर से साजिश के तहत यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही है और साथ ही साथ कोविड इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्कीम के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की भी मांग की है। उन्होंने यह साफ कह दिया है कि झारखंड कोरोना को मात देने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्रग्स तस्करी के बड़े मॉड्यूल का हुआ पर्दाफाश, जहां 5 पुलिसकर्मी सहित 17 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बंगाल में भी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा की होगी शुरुआत, जहां हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन 30 दिसंबर को किया जाएगा। महाराष्ट्र में महापुरुषों के लिए अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ विधान भवन के बाहर किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि राज्यपाल VS कोश्यारी ने कि शिवाजी महाराज पुराने जमाने के नायक थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया था कि मराठा योद्धा सम्राट ने मुगलों से नरमी बरतने को कहा था। गुजरात के मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने CM भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें नहीं चाहिए वेतन और सरकारी भत्ता। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जूनियर गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का जादू एक बार फिर से चल गया है, जहां वे दूसरी बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महुआ में डग्गामार वाहन यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं,
जहां यातायात नियमों का सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। इन डग्गा मार वाहनों में अंदर और बाहर यात्री लटकते नजर आ रहे हैं, जो कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कलेक्ट्रेट में जनता दर्शन में आए जनसामान्य की समस्याएं और शिकायत को गंभीरता पूर्वक सुनकर उसके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। तो ये थी सुबह की कुछ ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।